और आज मैं एक व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर पोटैटो बी गैंग का सॉन्ग लाई हूँ और इस सॉन्ग का नाम है सोनी और इस सॉन्ग में है आशिक जट, गौरी, स्टारशा और मिक्सम। और साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन पर यह लिखा है कि ये मीत महिमाल जैसी स्टोरी पर बेस है, जैसे कि सोनी महिमाल इस तरह की जो पहले लव की स्टोरी होती थी तो ये उसी पर ही बेस है। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग में ऐसा क्या है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आशिक जट आंदा जी सोनी अपने महिमाल नु मिलन जांदी है, चनान दे कंडे आके वेखिया ते पक्के घड़े दी थां ते कच्चा घड़ा पिया होया है। सोनी ते घड़े दा सवाल जवाब हुंदा है, हला भाई साईं तुफैल नथे खालसे वालिया, सोनी की आखदी है ते घड़ा की आखदा है ते तेरी किंग दी तार की फरियाद करदी है। चल कड़िया तेरी पेनी तेरे हाथ जोड़िया तेरे अगे मिन्नता ते तरे लेने अड़िया, मेरा माही वाल कर दाए वेट वे ले जा छेती छेती करी ना तू लेट वे, मेरे प्यार नु तू ताड़ बुझाणिया ताइयो चमकूगी सोनी दी फेट वे। मैनू मिला मेरे टोला नहीं ते उन नी मेरे ना बोलना, वेख ला जान तू मेरी सूली उत्ते टंगी है, चलिया तेरे सहारे ते ले जा तू मैनू तू दूजे किनारे ते, वेख ला तेरे इलावा केड़ा मेरा संगी है। पानी दा मेरे ते रोब नी कड़िया मिट जो मैनू तू खोब दे, एक बार यार ना मिला ते पर चाहे तू अपने हाथी च नाच डोब दे, हाथी च नाच डोब दे। एक तू यो बस मेरा हमदर्दी, बाकी दुनिया ते बड़ी बेदर्दी, जे किते अज बच गई टुट पैणिया फिर कदी नहीं सोनी तेरी मरदी। मैनू कांच नमी है, कोल जहान सारा इक तेरी कमी है, चल पै गए मई बाल दिया तलिया ते फोलदा है कख गुजरात दिया गलिया दे, कुड़ी कमियारा दी ने मत मार छड़ी है दी, आनक ते आगड़ जी बार गड़ी है दी, सोनी है जे इत्थे नहीं है तेरा कोई दर्दी, मेरी केड़ा पई है इत्थे गवर्नमेंट चल दी, आशकां दे हाल पड़े इत्थे हर दौर दे, यादां दे सहारे जानी सारे दे टोर दे, अज भी चना दे कंडे डुबण बथेरियां, दस दियां कब्रस्तान दियां ढेरियां, कच्चे कड़े नालों कच्ची इश्के दी तार भी, बाबटे पहलवान भी ने खाड़े विचू बार भी, बा खुश फहमी गलत फहमी कला कला वड्डे भी, बा डोब के चना च किन्ने कबरां च गड्डे भी, बा हाथ जोड़ कहंदा सुनो गबरू गुजरात दा, उठी टोपी मिक सैम याद रख लियो ना, मुझे तो ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा और स्टारशा की जो वॉइस थी सॉन्ग में वो काफी अच्छी लग रही थी, यानी जिस तरह से उन्होंने सॉन्ग गाया वो काफी अच्छा था और उनके ज्यादातर मुझे लिरिक्स काफी अच्छे लगे। सो ये तो मुझे काफी अच्छा लगा सॉन्ग और उनके लिरिक्स भी काफी अच्छे लगे, और स्टारशा ने जब फास्ट में जो सॉन्ग गाया फिर एकदम स्लो हो जाते थे तो उनका वो जो अलग तरह से जो अंदाज था वो काफी अच्छा लग रहा था, और साथ ही साथ इस सॉन्ग में जब मिक्सम आया उनका भी जो लिरिक्स थे उनके भी वो काफी अच्छे लग रहे थे, तो मुझे ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ इस सॉन्ग में जो म्यूज़िक था वो काफ़ी अच्छा था, यानी फुल तरीके से जो है उस चीज़ को शो किया गया है, लिरिक्स के थ्रू उस चीज़ को
एक्सप्लेन किया है तो वो काफी अच्छा लगा। जो मीत महिमाल की जो स्टोरी थी उसको जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, यानी एक तरह से ये फोक सॉन्ग की तरह लग रहा था, जैसे पहले फोक सॉन्ग चल रहे थे तो वही चीज थी इस सॉन्ग में। और ये सॉन्ग मुझे काफी अच्छा लगा और सॉन्ग का साथ ही साथ में म्यूजिक काफी धमाकेदार था और स्टारशा ने जिस तरह से लिरिक्स गाए हैं वो पर्सनली मुझे काफी अच्छे लगे और सॉन्ग काफी सही था। यानी इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे पोटोटोपिक गैंग, ये मुझे पता नहीं था, यानी बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। और जिस तरह से मीत महिमाल और सोनी महिमाल की जो लव स्टोरी होती थी उसको जिस तरह से इस सॉन्ग के थ्रू बताया वो काफी अच्छा लगा और लिरिक्स काफी अच्छे लग रहे थे क्योंकि वही लिरिक्स जो है इस तरह से एक्सप्लेन किए गए थे तो वो काफी अच्छा लगा। और साथ ही साथ मुझे स्टारशा की वोकल काफी अच्छी लग रही थी, जिस तरह से वो गा रहे थे उनका वो अंदाज काफी अच्छा लग रहा था, तो उनकी वोकल काफी अच्छी लग रही थी। और मिक्सम तो अच्छे थे ही इस सॉन्ग में, उनकी वॉइस उनकी वोकल भी काफी अच्छी थी। सो गाइस मुझे तो ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मधुफिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।